पंचायत चुनाव 2021 के द्वितीय चरण में 29 सितंबर को दरभंगा जिला के बेनीपुर एवं अलीनगर प्रखंड में चुनाव निर्धारित है। चुनाव में प्रतिनियुक्त सुपर जोनल, जोनल एवं सेक्टर दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारियों को जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत सह जिला दंडाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री बाबूराम द्वारा संयुक्त रूप से ब्रीफिंग की गई। सेक्टर पदाधिकारियों को ब्रीफिंग करते हुए जिला दंडाधिकारी श्री ने कहा कि बेनीपुर एवं अलीनगर में पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए संयुक्त आदेश जारी किया गया है, जिसमें सभी निर्देश जारी किए गए हैं। उसे सभी पदाधिकारियों अच्छी तरह से पढ़ ले, उसमें सभी वरीय पदाधिकारियों का मोबाइल नंबर भी अंकित है। उन्होंने आगे कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने की पूरी जिम्मेवारी सेक्टर पदाधिकारी की है। मतदान केंद्र पर फर्जी मतदाता यदि मतदान करने आता है या कोई दोबारा मतदान करने आता है तो तुरंत कार्रवाई करते हुए पीठासीन पदाधिकारी के माध्यम से उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि 28 सितंबर के शाम से ही सेक्टर पदाधिकारी अपने क्षेत्र के सभी मतदान केंद्र के पीठासीन पदाधिकारी से संपर्क कर लेंगे और 29 सितंबर की सुबह 4 बजे सुनिश्चित कर लेंगे कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदान पदाधिकारी एवं पुलिस बल पहुँच गए हैं। मतदान समाप्त होने के उपरांत सभी पीठासीन पदाधिकारी द्वारा CU का क्लोज बटन दबाना सुनिश्चित कर लेंगे तथा अपनी अभिरक्षा में सभी EVM को बाजार समिति अवस्थित वज्रगृह में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। तैयारियां कर ली गई, उसी की हम लोग समीक्षा कर रहे थे। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस बार सभी बूथों पर पर्याप्त संख्या में सशस्त्र बल रहेगा। इसके अलावा मल्टी लेयर्ड पेट्रोलिंग की व्यवस्था है बूथों भवनों पर। बल के अलावा उसके ऊपर सेक्टर की पेट्रोलिंग है, कुछ भवनों उसके ऊपर जोनल पेट्रोलिंग है, थाना की पेट्रोलिंग है, इंस्पेक्टर की पेट्रोलिंग है, SDPO और SD साहब की पेट्रोलिंग है। मल्टी लेयर पेट्रोलिंग व्यवस्था है और हर जगह सशस्त्र बल रहे हैं। इसके अलावा जो पूर्व से कार्रवाई करनी है ताकि अपराधियों का मनोबल टूटा रहे, जो पाए उन्हें पकड़ के बंद कर दें, जनता में सुरक्षा की भावना रहे, इस पर भी पर्याप्त कार्रवाई की जा रही है। कई लोगों पर CC की कार्रवाई की गई है, जिला बदर की कार्रवाई की गई है, प्रिवेंटिव सेक्शन लगाए गए हैं, बॉन्ड भरा गए हैं और बिल्कुल बूथवार ये कार्रवाई की जा रही है। जो लोग पूर्व में इस तरह के गतिविधियों में रहे हैं, चाहे वो आरोप पत्रित हों, संदिग्ध हों, सभी पर कार्रवाई की जा रही है। हमारा पर्पस है कि जनता को भी हम आश्वस्त कर सकें कि प्रशासन पूरी तरह तैयार है, हमारे पास पर्याप्त संख्या है, पर्याप्त बल है, हम पूरी तरह से कमिटेड हैं कि एकदम पीसफुल इलेक्शन होगा और किसी को कोई गड़बड़ी करने का मौका नहीं दिया जाएगा। सबको सख्त निर्देश दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव में बाधा डालने की कोशिश करता है, कहीं पे हिंसा फैलाने की कोशिश करता है, मतदाताओं को डराने धमकाने की कोशिश करता है या लालच देने की कोशिश करता है, ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी है। ऐसे लोगों को किसी की मतलब बख्शा नहीं जाएगा और हमारी मल्टी लेयर में सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, स्पेशल आर्म पुलिस भी रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमारी QRT रहेगी, हम खुद फील्ड में मौजूद रहेंगे और ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया गया है, उनसे CC की कार्रवाई भी की गई है। ऐसे लोगों को चुनाव के दिन थाना पर बिठाया जाएगा, तो शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराया जाएगा, कोई समस्या।